ऑफ रोडिंग तो बहुत की है यार मैंने। ओ तेरी बहन का, ओ माय गॉड, देखा ऐसे कांड हो जाते हैं। So good morning everyone, this is me Anil Shishadi and welcome back to the channel guys. I hope you are absolutely fine. So finally aaj nikal rahe hain yahan se, seedha ja rahe hain Chitkul jo ki India ka last village hai. Ye London daily kapde badal raha hai bhai sahab, apni hai jo phase pade hain yaar. Ek cheez aur achhi batau yaar, uncle ji ne abhi subah na bina kahe na hum logo ko chai la ke de di yaar. Kitne acche log hain, isme garma garam chai aayi hai. और भाई इस कैटल का कितनी तारीफ करूं, इसमें रात को अंकल जी ने हमें पानी गरम दिया था और वो सुबह तक भी ना एकदम खोलता हुआ था, मतलब मुंह जलाता हुआ ऐसा था। मिल्टन सब फेल है इसके आगे। अभी प्लान ये है कि हम पूरी तरह से हो गए तैयार, रेडी, सारा सामान हमने पैक कर लिया है, बस अपने गेयर वगैरह हमने पहनने, फिर यहाँ से जा रहे हैं सीधा जहाँ हमने बताया था कल आपको कि वहाँ पे सतलुज नदी के किनारे में हम लोग ड्रोन उड़ाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा ड्रोन शॉट्स वगैरह लेंगे। और अभी सुबह का जो तापमान हो रहा है वो हो रहा है -12 देखा -12 है भाई साहब, टाइम हो रहा है इस टाइम 9:02 और बाहर धूप हो रही है, हालांकि निकली हुई है ऐसे, मगर ये धूप जो है ना बहुत तेज लगती है वैसे तो, मगर जैसे ही हवा चलती है ना भाई साहब ये धूप वूप सब फेल हो जाती है। चिटकुल विलेज जो है वो है करीबन 250 किलोमीटर के आसपास, 250 किलोमीटर और करीबन 6.5 घंटे दिखा रहा है, हमें तो जाकर 7.5 ही घंटे लगने वाले हैं, उससे पहले तो हम पहुंचेंगे नहीं। तो अब देरी नहीं करते, फटाफट निकलते हैं, ब्रेकफास्ट किया नहीं, ब्रेकफास्ट यहीं करेंगे, अंकल जी की चाय वगैरह पी के तुरंत निकलते हैं। सो फाइनली निकल रहे हैं, 9:55 यानी कि ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं और अब तक हमारी बाइक 850 किलोमीटर चल चुकी है इस वाले रूट पर। समर्स में आएंगे फिर दोबारा काजा में। सो ये है ढोलकर होम स्टे, कल तो यहाँ पे भी बर्फ गिरी है देखो थोड़ा बहुत, आज शाम को 5 बजे यहाँ बर्फ गिरने का अनुमान है। सुंदर से नजारों को बाय कहने का वक्त आ गया, अब इनसे मिलेंगे समर्स में, समर वाली राइड करेंगे हम मनाली टू काजा। और खैर बाइक में पेट्रोल हमारे फुल है, बिल्कुल फुल, अब वाला रिस्क नहीं लेना। शाम को जितना जल्दी हम चिटकुल पहुंचेंगे उतना जल्दी वहां पे भी घूम पाएंगे और आप लोगों को भी कुछ दिखा पाएंगे यार। ये वाले सारे नज़ारे देख रहे हो, वो ब्रिज है वहाँ से, ये सतलुज नदी बह रही है, ये सारे के सारे नज़ारे हम कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग इस रास्ते पे ना रात को थे, अब दिन में देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि अच्छा ऐसे ऐसे नज़ारे थे। और यहाँ पे ना रोड काफ़ी ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन है ये रोड, यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हो रहा है, चौड़ा किया जा रहा है रोडों को ना, ये वन वे है ना तो इसे 2 लाइन किया जा रहा है। अपनी बाइक लेके वहां जाने की, हालांकि सेफ नहीं है, मगर पानी इतना तेज नहीं है ना, नॉर्मल है, कोई ऐसा रिस्क वाला बात नहीं है, नॉर्मल है, इतना बड़ा रिस्क नहीं है। वहां से नीचे आने के लिए एक रास्ता दिखाई दे रहा है, यहां से नीचे जाने के लिए ये रहा रास्ता, यहां से चलते हैं नीचे, यहां से नीचे चलते हैं। ऑफ रोडिंग है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ रोडिंग तो बहुत की है यार मैंने। ओ तेरी बहन का, ओ माय गॉड, ओ ओ भाई साहब स्लिप हो गई, बंद कर दो, ओ हे भगवान। हाँ पैनियर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं इसके लिए, हे भगवान बच गए भाई, स्लिप हो गई, देखा ऐसे कांड हो जाते हैं। हाँ ये टूट गया साइड वाला, ये प्लास्टिक टूट गई है बस, वहाँ से स्टैंड खोल लो, खोलते हैं पहले स्टैंड। हाँ ओ माय गॉड, मैं सोच रहा था पहले उतर जाऊँ, ना ना चलो 1 2 3 बस उधर देखो टिक जाएगी, वेट बहुत था ना यार गाड़ी का, हैंड गार्ड टूट गया, साइड का पीस टूटा है, बस ये उठाना, हाँ रख लो इसको, 360 हो रहा सच में, नहीं लगी वगी नहीं है, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बस ये इसके भरोसे बैठा है पूरा और एक हाँ
ये टूट गया क्या? टूट गया, हाँ लूज नहीं हुआ, टूट गया, क्रैक हो गया यहाँ से, ये हो गया। हाथ में लग सकती थी आपके अगर ये नहीं। हाँ और राइट में लग सकती नहीं थी अभी तो ना। हाँ कोई नहीं, चलो ऊपर चलते हैं वापस, है ना। तो चलो भाई कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, होता रहता है, ज़िंदगी है, ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस होते रहते हैं। तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, बस ये प्लास्टिक का जो बाहर का हिस्सा है ना, ये यहाँ से ब्रेक हो गया है, तो ये तो करोल बाग में मिल जाएगा मोटो प्लैनेट से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ थोड़ा रिस्क ज़्यादा ही ले लिया। अब एक काम करते हैं, आगे से थोड़ा सा घुमा के लेके आते हैं। यहाँ से ना ट्रक वगैरह जाते हैं, और हमारी बाइक तो बहुत ज़्यादा लोडेड है यार, बहुत ज़्यादा। अब खड़ी भी है चढ़ाई, और ब्रेक भी लगाने पड़ रहे हैं, इस वजह से स्लिप हो गई। और पत्थर ही पत्थर है नीचे, कुछ है तो है नहीं, और थोड़ी सी नीचे उतारनी पड़ी मुझे, क्योंकि वहाँ से उतर ही नहीं रही थी, स्लिप मार रहा है यार यहाँ पे ना, मिट्टी पूरा बुरी तरीके वाला स्लिप मार रहा है, पूरा मिट्टी मिट्टी है एकदम। फ्लो में तो चढ़ने में दिक्कत नहीं होती, सारी दिक्कत है उतरने में। चढ़ गई ना। सही है, चढ़ तो गए। ड्रोन उड़ाना था वैसे नीचे जाके यार, मगर फिर वासु कह रहे हैं कि भैया ऐसा ना हो, पहले अभी इसका नुकसान हुआ है, फिर ड्रोन भी साला हमारा गायब हो जाए विंड ब्लास्ट इतनी जोर से। चलो चलते हैं। ओके तो ये रास्ता हमें रात को पता नहीं चला था, उस टाइम पे अंधेरा हो रहा था, ऑफ रोडिंग तो तब भी थी, मैं दोनों पैर नीचे उतार के चला रहा था तब भी, मगर अब दिन में क्या है ना, एकदम धूप आ गई है, मिट्टी एकदम सूख गई है, जो थोड़ी बहुत पकड़ होगी वो भी छूट गई होगी, तो अब ये फिसल रहे हैं, और टोटल रोड़ियाँ पड़ी हैं, कम्प्लीटली रोड़ियाँ, रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है ये, करीबन पिछले 5-6 किलोमीटर से तो है ये प्रॉब्लम। भाई थोड़ा सा संभल के आना यहाँ पे और संभल के चलाना, हालांकि हमारे साथ से तो ट्रेजडी हुई है, हमने तो जो कांड किए हैं वो जानकर हो गए, हमारी गलती थी, हमें नीचे जाना नहीं चाहिए था, या फिर मिट्टी देख के आनी चाहिए थी पहली, है भी ऐसी इस लायक, इस रोड पे तो वैसा नहीं है, मगर हाँ ये है कि ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं ये वाले कंकड़, और ऑफ रोडिंग बीच बीच में आती है ना, और बाइक इतनी ज़्यादा लोडेड है, उसकी वजह से ये है कि थोड़ा संभालना मुश्किल पड़ता है। चलो अच्छा है, बॉडी वेट इतना होने का फ़ायदा होता है कभी कभी। शुक्र है आप थोड़ी सी रोड अच्छी मिली है भगवान का, चारों तरफ से पहाड़ों से ढके हुए हैं, चारों तरफ से, ऊपर से पानी आ जाए तो बंदा कहीं नहीं बचेगा है। क्या नज़ारे यार, टैबो यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर हो गया बचा है, सिर्फ 7 किलोमीटर, 11:30 हो गए, हम लोग थोड़ा लेट हो गए, गिरने विरने के चक्कर में, ड्रोन उड़ाने के चक्कर में गिर भी गए, ड्रोन भी नहीं उड़ाया। और रास्ते देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है यार, साथ में ये सतलुज नदी बह रही है, यहाँ आराम से नीचे बैठ के वहाँ पे खेल सकते हैं आराम। थोड़ी सी हवा भरवा लेते हैं इसके टायर में, थोड़ी पिछले टायर में हवा कम लग रही है यार, कुछ पेट पूजा की जाए। ओके सो खाने के अंदर मैंने मंगाया अपने लिए राजमा और चावल, और वासु महाराज ने अपने लिए नूडल्स। हवा भरवाने के लिए रुके थे ना वहीं पे, ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का नाम है पेम्बा फास्ट फूड, और यार जो चलाते हैं ना इनको, जो दीदी हैं सिस्टर हैं, वो बहुत दिल से खाना बनाती हैं और बहुत दिल से खाना खिलाती भी हैं। चलो भाई खाना वाना डन हो गया, अब निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 13:54, यानी कि 2 बज गए, और यहाँ से 160 किलोमीटर है, और लगभग 4.5 घंटे और दिखा रहा है। अब पहुँचेंगे हम शाम को 6:30 बजे, बहुत लेट हो गए, 4 बजे पहुँचने का टाइम था हमारा, मगर वही गिर गए थे ना सुबह, उसी के चक्कर से ही लेट हुए हैं सारा। भैया हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं नेपाल से, नाम क्या है आपका? ओरन थामा। अच्छा अच्छा चलिए, क्या बात है क्या बात, नीट एंड क्लीन, ओए शाबाश, बिल्कुल ऐसे डेप्थ में है रोड, ओए शाबाश भाई, पूरी अपनी बाइक और हम खड़े यहाँ,
ओ हाँ चिल्लाओ। इतने मजे करते हुए मौज मस्ती लेते हुए 3 बजे पहुंचे हम लोग नाको विलेज। बताओ हमारे होटल से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता था यार, हम लोग 10 बजे के निकले हुए और 3 बजे यहां पहुंचे हैं यार, कमाल है। ये यहां के गधे कितने क्यूट हुए, आओ तो सही गधे इधर आओ, अरे आ तो सही गधे, गधा ही है सच में। अभी बज रहे हैं शाम के 4:42 और हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट करीबन 100 किलोमीटर तो हमने बाइक चला ली है, मैंने मैप नहीं लगाया आगे। और देखो जैसे जैसे चिटकुल के पास पहुंच रहे हैं वैसे वैसे मौसम का हाल इतना बुरा हो रहा है वहां पे, तो पूरे बादल छाए में बुरे वाले, या तो वहां पे स्नोफॉल हो रही है या फिर वहां बारिश हो रही है, कुछ ना कुछ तो वहां हो रहा है यार। मगर कसम से बारिश ना हो यार, बारिश में बहुत बुरा हाल हो जाता है, सारे गेयर्स भीग जाते हैं, बुरा हाल हो जाते हैं, अजीब सी थकान हो जाती है। सो फाइनली यहां से लेफ्ट होंगे हम तो चले जाएंगे चिटकुल के लिए, तो यहां से लेफ्ट होके जाएगा सीधा रास्ता चिटकुल। भाई साहब यहाँ पे हो रही है खूब ज़बरदस्त वाली बारिश, मतलब बहुत तेज़ तो नहीं हो रही मगर लगातार रिमझिम चल ही रहा है, और रास्ता देख रहे हो कितना पतला सा है भाई साहब, और ऊपर से बारिश भी हो रही है, बहुत केयरफुली होकर बाइक चलानी पड़ रही है, पूरा अटेंशन रख के ध्यान से, क्योंकि यहाँ इस तरफ कुछ ज़्यादा कुछ सपोर्ट भी नहीं है और रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा पतला सा है यार। मगर ठंड बढ़ गई है अच्छी खासी यहाँ पर, और यहाँ बारिश हो रही है तो इसका मतलब चिटकुल में हो सकता है कि स्नो देखने को मिले, यानी कि स्नोफॉल हो रहा हो वहाँ पे अभी भी। सोचो यार मार्च में 24th है ना आज वासु, 23 है ना, और अभी भी यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है, गजब है भाई चिटकुल का भी। सांगला द्वार, हम हैं अभी सांगला में और वहाँ है सांगला का बस अड्डा, वो रेड कलर का। तो अभी चिटकुल के रास्ते में ही है, अभी पहुंचे नहीं है सांगला तक, तो रास्ता इतना खराब है भाई साहब, इतना खराब है मतलब बारिश हो गई है उसकी वजह से कीचड़ काचड़ बुरा वाला हाल है भाई। बारिश में बिल्कुल मत आने की कोशिश करना, बाइक 101% स्लिप होके गिरेगी कहीं ना कहीं। बाकी सांगला क्रॉस करने के बाद भी कम से कम 5 किलोमीटर बाद जाके ये तारकोल वाली रोड आई है और इसकी भी हालत थोड़ी ज्यादा खराब है। तो टाइम हो रहा है करीबन 7:30 बज चुके हैं और भाई हम यहाँ आ चुके हैं, यहाँ से ये रक्षम एक जगह है और यहाँ से चिटकुल करीबन 10 किलोमीटर के आसपास है। हमने एक लोकल भाई से पूछा था जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि आगे स्नो हो रहा होगा और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और इस टाइम अगर आप आगे जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो हमें लग रहा है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उनकी बात को मानते हुए ना भाई हम सोच रहे हैं कि यहाँ रक्षम में स्टे कर लेते हैं, रात भी हो गई है, बारिश भी हो रही है, आगे ज़्यादा परेशान होने से अच्छा है कि समझदारी दिखा के यही किया जाए कि यहीं रुक जाते हैं। और ये होटल है हमने अभी लिया थोड़ी देर पहले ही, इस होटल का नाम है किन्नर रिट्रीट, जो कि ये हैं भैया जी, इनका शुभ नाम है कपिल देव। तो कपिल देव जी की कृपा से ये रूम मिल गया है हम लोगों को,
रूम अच्छा है, रूम टूर सुबह करा दूंगा। अभी तो जनरली ये है कि बेड है, अलमीरा है, बाथरूम वगैरह है। होटल क्या है कि अभी यहाँ पे ऑफ सीजन चल रहा है तो इस वजह से ज़्यादा होटल्स खुले नहीं थे। ये भी मेरे ख्याल से अभी कुछ ही दिन पहले खुला है ना, ओपन किया है। तो फिलहाल ये रूम ले लिया है और खाना वाने का ऐसा ही है कि कपिल बाबू हमें खाना खिलाएंगे। अभी हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना लाए। तो अब इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, बाय। बाइक देखो यार अपनी, हद्दे यार, हद्दे भाई साहब, क्या हो गया मेरी बाइक का।